वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एग्ज़ाम तक में दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आई टी आई सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर की तो अगर आप आई कर रहे हैं और आप आई टी आई सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा साथ ही साथ आप सभी के लिए टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए भी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से पहला क्वेश्चन पूछा गया है डीसी जनरेटर में इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं डीसी जनरेटर में इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं राइट आंसर था आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इसका कनेक्शन किया जाता है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन सेकंड क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज का उपयोग करने का कारण जो है क्या होता है तो करेक्ट आंसर है ट्रांसमिशन क्षतियों में कमी करना इसका कारण होता है अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है मेगा टेस्टिंग 500 वोल्टेज स्थापना की वोल्टेज रेटिंग कितनी होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए एक हजार वोल्ट होनी चाहिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है तो घरेलू में यूज़ के लिए इंटीग्रेटिंग टाइप का ऊर्जा मीटर यूज किया जाता है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर वन अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है राइट right आंसर है 180 डिग्री का अंतर होता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छठा पूछा गया है एक स्टेपर मोटर के घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं तो करेक्ट आंसर है दो सौ स्टेप होते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन क्या पूछा गया था फ्लेशर बल्ब का प्रयोग किस में किया जाता है फ्लेशर बल्ब का प्रयोग जो है किस में किया जाता है तो राइट right आंसर था सजावटी प्रकाश व्यवस्था में फ्लेशर बल्ब का यूज किया जाता है अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन था एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है तो ये चुंबकीय प्रभाव का यूज करती है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस इमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर जो है जीरो पॉइंट सिक्स वोल्ट से ज़ीरो पॉइंट सेवन वोल्ट के बीच में आवश्यकता होती है क्वेश्चन नंबर टेन यहाँ पर पूछा गया है पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या होता है पावर कंट्रोल सर्किट में जो है डायक का यूज उद्देश्य क्या होता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ट्रिगर करने के लिए इसका यूज किया जाता है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड विच स्विच विथ एन एक्चुअल इज ऑपरेट बाय द मोशन ऑफ मशीन ऑफ और पार्ट एन ऑब्जेक्ट तो ये किस स्विच का यूज किया जाता है यहाँ पर लिमिट स्विच का यहाँ पर यूज किया जाता है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है छः पोल टेस्टर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है छः पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होती है तो राइट आंसर है एक हज़ार अस्सी होती है अगला क्वेश्चन है डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं तो कौन से बिंदु होते हैं ब्रश और राइजर के बीच प्रतिरोध राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर वन सामान्य उत्तेजन वाली सिक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर होता है सामान्य उत्तेजन वाली सिक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है पश्चिगामी होता है तो राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर फोर अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन है वह कौन सा उपकरण है जिसे बीजेटी और मॉसफोट दोनों के लाभ होते हैं कौन सा उपकरण से जो है बीजेटी और मॉसफोट दोनों के लाभ होते हैं तो ये कौन सा है आईजीबीटी है राइट आंसर है ऑप्शन से नंबर सेकंड सोलह नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भार एक मोटर द्वारा बेहतर संचालित होता है तो संट मोटर का यूज़ जो है किसमें किया जाएगा प्रत्यागामी पंप में जो है संट मोटर का यूज़ किया जाता है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड बैटरी को आवेशित करते समय विद्युत अवघटन डैश तापमान से अधिक नहीं होना चाहिए तो बैटरी को चार्ज करते समय जो है विद्युत अवघटन का तापमान जो है चालीस डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन अगला क्वेश्चन है कौन से वायरिंग प्रणाली सबसे सुरक्षित है निम्न में से कौन सी वायरिंग सबसे सुरक्षित है तो यहाँ पर जो है कंसील्ड वायरिंग सबसे सुरक्षित वायरिंग मानी जाती है जेनर डायोड में ब्रेकडाउन उत्पन्न करने वाला सिद्धांत निम्न में से क्या कहलाता है तो जेने में ब्रेक डाउन उत्पन्न करने वाला सिद्धांत क्या कहा जाता है एवलांस प्रभाव इसे कहते हैं राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है बैटरी के चार आवेशन यानी चार्ज के दौरान जो है वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है करेक्ट आंसर है गैसों का पूर्वक बाहर निकलने हेतु इसको जो है खुला रखा जाता है अगला क्वेश्चन देखें देखेंगे क्वेश्चन नंबर इक्कीस है लोड बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा लोड बढ़ने से सिरों सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या प्रभाव होता है तो करेक्ट आंसर है वोल्टेज जो है घट जाता है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर अगला है यम बराबर जेड आई टी सूत्र में जेड किस जड अक्षर अच्छा जो है किसे इंगित करता है तो ये जड जो है विद्युत अवघट का ई को इंगित करता है निम्न में से कौन सा जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबक तत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है कौन सा जनित्र जो है बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है करेक्ट आंसर है पृथक उत्तेजित इस स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए इंटरपोल्स का प्रयोग करना चाहिए कैंपेंसेंटिंग वाइंडिंग का भी प्रयोग करना चाहिए किसी डीसी जनित में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी किसी डीसी जनित में इंटर प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी करेक्ट आंसर है उत्तरी ध्रुव के समान होगी अगला है मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है तो करेक्ट आंसर है हानिया को घटाकर, यानी कि लॉसेस को घटाकर एक क्रिस्टल दौलित की सीमा निम्न में से कौन सी होती है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है निम्न आउटपुट होती है डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या होता है डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का क्या कार्य होता है तो स्टार्टिंग करंट को सीमित करना इसका कार्य होता है एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के कितने गुने गुने के बराबर होता है तो ये लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो है दोनों बराबर होते हैं यानी कि एक गुने के बराबर होता है यानी कि फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज होता है अगला है ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नालियों का कार्य जो है क्या होता है ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नालियों का कार्य क्या होता है तो सतह का क्षेत्रफल को बढ़ाना इसका कार्य होता है अगला क्वेश्चन है वायर गैस तार किस आयाम को बताता है वायर गैस जो है किसको नापता है तो ब्यास को मापता है अगला है ट्रांसफार्मर को सुरक्षा किससे दिया जाता है तो यहाँ पर बुकोल्ज रिले के द्वारा जो है ट्रांसफार्मर को सुरक्षा दिया जाता है उच्च फ्रिक्वेंसी वाले सर्किट में प्रयुक्त क्रोड का प्रकार क्या है तो यहाँ पर जो है फायरेट क्रोड का यूज किया जाता है तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही आज के वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं तैंतीस क्वेश्चन हो चुके हैं और उम्मीद है आपने जो है सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे शेयर भी कर दिए होंगे तो अगर आप और भी ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नीचे जो है सभी वीडियो का लिंक दिया गया है तो जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो